वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इनमें क्या कॉमन है। तो तीनों ही रिएक्शन के अंदर, वुड्स रिएक्शन के अंदर, फिटिंग रिएक्शन के अंदर और वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपका कैटलिस्ट है जो आपका कॉमन है सबके अंदर, ड्राई इथर, ड्राई इथर, ड्राई इथर। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी वुड्स आएगा हमेशा आपका एल्काइल हैलाइड आएगा, साथ ही जब भी फिटिंग रिएक्शन होगी हमेशा एराइल हैलाइड आएगा। अब एराइल हैलाइड क्या होता है और एल्काइल हैलाइड क्या होता है ये समझना है आपको। तो एल्काइल हैलाइड का मतलब तो होता है आपका आरएक्स और एराइल हैलाइड का मतलब होता है एआरएक्स। साथ में सभी में कॉमन है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल और आपका सोडियम मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग, वुड्स मतलब आरएक्स, फिटिंग मतलब एआरएक्स, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से ये दो तीनों रिएक्शन आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। देखो फर्स्ट इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एग्जांपल है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन मतलब एल्काइल हैलाइड, कोई एल्काइल ग्रुप लो, लेट सपोज मैंने लिया CH3, हैलाइड लगाना है इसके साथ, मतलब कोई आपको हेलोजन एटम अटैच करना है, तो हमने हेलोजन एटम अटैच कर लिया है Cl। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम मेटल के साथ। अब यहाँ पे हमें इसका 2 यूनिट लेना पड़ेगा। 2 यूनिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अकेला हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 यूनिट ले रहे हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, Na और Cl से क्या बन जाएगा, NaCl, कितने यूनिट बनेंगे, 2 यूनिट, यहाँ पे भी NaCl और इस दूसरे वाले में भी NaCl, और क्या बच जाएगा आपके पास, CH3, 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 CH3। तो इस तरह से ये वुड्स रिएक्शन होती है। बस आपको ये लिखना है कि किसके प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये ड्राई ईथर आपको लिखना है। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं आपका, एक तो कैटलिस्ट क्या है, ड्राई ईथर, मेन आपका जो रिएक्टेंट है वो है इसके अंदर सोडियम, और हमारे पास जो सब्सट्रेट है वो है आपका एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में हम क्या लेंगे, एराइल हैलाइड लेंगे। तो एराइल हैलाइड में आप क्या करो, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आप हेलोजन एटम अटैच कर दो, तो उसी को बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें सोडियम मेटल के साथ, वो 2 यूनिट सोडियम मेटल लेना है आपको। एक और आप एराइल हैलाइड ले लो, तो लेट सपोज हमने एक और एराइल हैलाइड लिया है यहाँ पे, और इसके साथ भी आपको क्या अटैच करना है, हेलोजनेट। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक एन ए इस सी एल के साथ और एक एन ए इस सी एल के साथ, ये पूरा 2 NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। ड्राई इथर की प्रेजेंस रखनी है हमें, तो यहाँ से देखो 2 NaCl बाहर निकल गया, और ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग आपस में फिट हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग आपस में फिट हो जाएगी, एक बेंजीन रिंग और दूसरी बेंजीन रिंग, ये दोनों आपस में फिट होगी। इसको बोलते हैं डायफिनाइल, डायफिनाइल, ठीक है। और यहाँ से 2 NaCl आपका बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स से क्लियर है आपका, वुड्स मतलब क्या लेना है आपको, एल्काइल हैलाइड, लेट सपोज हमने लिया CH3Cl। इसके अलावा फिटिंग मतलब आपको क्या लेना है, एराइल हैलाइड और सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल ले लो, 2 यूनिट सोडियम मेटल की, और इधर आप एराइल हैलाइड ले लो, ठीक है। और प्रेजेंस रखनी है हमें ड्राई ईथर की। तो यहां से क्या होगा, ये 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और ये डायरेक्ट आपका एल्काइल ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग गया और 2 NaCl बाहर निकल गया। तो इतनी सिंपल रिएक्शंस, आप वापस से एक बार देखो इसको, ड्राई ईथर सब में कॉमन है, सोडियम मेटल सभी में कॉमन है, वुड्स का मतलब एल्काइल हैलाइड, फिटिंग का मतलब एराइल हैलाइड, और वुड्स फिटिंग में मतलब दोनों आपको लेना है और वो सोडियम एटम। तो इस तरीके से इतनी सिंपल रिएक्शंस है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।